नमस्ते, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट्स को गमलों में कैसे लगाते हैं। प्लांट्स वातावरण को शुद्ध करता है, प्रदूषण को घटाता है और हमें स्वच्छ और सुंदर हवा श्वास लेने के लिए देता है। अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें ढेर सारे पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से वातावरण शुद्ध होता है। पेड़ का एक महत्वपूर्ण योगदान बारिश करवाने में भी है। पेड़ों की वजह से बारिश होती है जिससे हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को ऐसे बांध के रखती है कि मिट्टी अपनी जगह से हिल नहीं पाती, जिससे लैंडस्लाइड में बचाव होता है। पेड़ों से हमें प्यारे प्यारे फूल और फल मिलते हैं। हमें अनाज और औषधि, सब्जी, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। यह हमारी प्रकृति को हरा भरा और शुद्ध रखता है। जब भी हम कोई पेड़ लगाते हैं, हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं और बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन काल में ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। आज मैं आपके सामने कुछ प्लांट्स लगा के दिखाऊंगी। पॉट्स में मैं कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ। ये सारे प्लांट्स मैं नर्सरी से लेके आई हूँ अपने गार्डन के लिए। सबसे पहले ये है मलबरी प्लांट, जिसको हिंदी में शहतूत बोलते हैं। इसको खाने से हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसको गर्मी में खाने से लू लगने की समस्या से मुक्ति मिलती है और इससे लीवर से जुड़ी समस्याओं में फ़ायदेमंद है। और इसको जब हम खाते हैं तो हमारा आइज का प्रॉब्लम्स दूर होता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारा सा प्लांट है और इसमें फ्रूटिंग भी चालू है। दूसरा प्लांट जो मैं लेके आई हूँ ये फिक का है। फिक को हिंदी में अंजीर बोलते हैं। अंजीर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। यह हमारे डाइजेशन को सही रखता है। यह डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसको खाने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तीसरा प्लांट जो मैं लेके आई हूँ यह है फलों का राजा आम। आम खाना तो सबको बहुत पसंद होता है, इसलिए इसे हमें अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और ये इतना अच्छा पौधा है कि साल में 4 बार फल देता है। आप भी अपने आसपास की नर्सरी से ऐसा पौधा ढूंढें और ज़रूर लेके आए और अपने गार्डन में लगाएं। आम के और भी कई फायदे हैं, जैसे यह हमारी त्वचा और आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कैंसर जैसी बीमारियों से हमारा बचाव होता है, इससे हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है और बहुत सारे फायदे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसमें भी प्यारे प्यारे फ्रूट्स आए हुए हैं। अब हम इन प्लांट्स को पॉट्स में लगाते हैं। सबसे पहले हमको सॉइल का कंपोजिशन तैयार करना है। इसके लिए हमें लेना है 50% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट और 20% सैंड, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ले। क्या करिए तुम? आप भी मिक्स कीजिए।
आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है। याद रहे कि पॉटिंग मिक्स में आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट और 20% सैंड लेना है। जब ये पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाए तो आप एक पॉट ले, इस पॉट के नीचे में आप एक पीस ऑफ क्लोथ डाल लें। ये इसलिए डालते हैं ताकि जब आप इसमें वाटरिंग करें तो मिट्टी ड्रेन आउट नहीं हो जाए। अब आप पॉट में 40% मिट्टी डाल दें, उसके बाद प्लांट्स लगाएं। इसमें हमने 40% सॉइल फिल कर लिया है। अब हमें प्लांट्स लगाने हैं। इस प्लांट का रैपर हमें हटा देना है। अब मैंने ये रैपर हटा दिया है। अब इस प्लांट को केयरफुली पॉट में डालना है। और इसके आसपास मिट्टी डाल देनी है। अब इस पॉट में चारों तरफ मिट्टी डाल के अच्छे से फिल कर लें। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं यह हमें बहुत ही खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। साथ साथ हम हमारे बच्चों में भी गार्डनिंग की हैबिट डालते हैं। ये देख सकते हैं ये मिट्टी फिल कर लिया है हमने। अभी ये सेम प्रोसेस आपको दूसरे प्लांट्स के लिए भी करनी है। अब मैं ये फिग प्लांट लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले इसका रैपर हटा लें। Let's
इसको। अब ये आप दूसरा पॉट ले, ध्यान रहे उसके नीचे कपड़ा जरूर डाले ताकि जब आप वाटरिंग करें मिट्टी ड्रेन आउट नहीं हो। फिर आप मिट्टी को सब सॉइल डाल दे पहले। मुझे भी करना है ना। फिर आप इसको डाल दे पॉट में। मम्मा मुझे भी डालना है। मम्मा मुझे भी डालना बेटा। फिर चारों तरफ से मिट्टी डाल दे। डाल मिट्टी डाल दे। इसमें आप मिट्टी अच्छे से फिल कर दे। इसमें मिट्टी अच्छे से फिल करने के बाद आप इसमें डीप वाटरिंग करें, इतना वाटर डालें ताकि मिट्टी कुछ दिनों तक मॉइस्ट रहे। इसके बाद हम मैंगो प्लांट लगाएंगे। सबसे पहले इसका रैपर हटा दें। अभी इसको टच करना नहीं। डाउन 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 करो। डाउन 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 डाउन। अभी इसके बॉटम में किस ऑफ फ्लोर डाल दे। मामा बता दे। इसमें क्या है? बहुत हैवी है। मामा इसमें क्या है? बहुत हैवी है ये। इसमें वाटर है। अभी इस पॉट में 40% मिट्टी डाल लें। मुझे पता है। मुझे यहाँ पे किस करना होगा? जाम जाम करके। फिर ये प्लांट डालें। पॉलिश। इसलिए इसका ग्राफ्टेड पोर्शन हमेशा मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान दीजिए।
पॉट को अच्छे से मिट्टी से फिल कर दीजिए। ये तीनों प्लांट्स बहुत ही अच्छे हैं, तीनों में फ्रूटिंग चालू है। तीनों प्लांट्स की आपको थोड़ी सी केयर करनी है, इनमें 10-15 दिनों में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स देते रहना है, जिससे इनमें अच्छे से फ्रूटिंग हो। इसमें मिट्टी अब अच्छे से फिल हो गया है। अब हम इन तीनों पॉट्स में डीप वाटरिंग करेंगे। अभी हम इन तीनों प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे। जब हम पहली बार वाटरिंग करते हैं तो डीप वाटरिंग करते हैं ताकि 10-15 दिनों तक मिट्टी मॉइस्ट रहे। देखिए ये तीनों प्लांट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये फिग में छोटे छोटे फिग्स आए हुए हैं, मैंगो में छोटे छोटे मैंगोज आए हुए हैं, और मलबरी में एक प्यारा सा मलबरी दिख रहा है। प्लांट्स लगाने का मतलब है हरियाली फैलाना। आप भी प्लांट्स लगाएं और प्रकृति को सुंदर बनाएं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है प्रदीप्ति कश्यप। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।